हर चीज धरती पे पैदा हो सकती है, लेकिन जल एकमात्र चीज ऐसी है जो पैदा नहीं की जा सकती। थोड़ा नीचे बात कहते हैं कि अपने जीवन में पेड़ अवश्य लगाएंगे तथा पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएंगे एवं वर्षा जल के एक एक बूंद का संरक्षण करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय दयाल डालमिया ट्रस्ट के माध्यम से आज का यह कार्यक्रम किया गया है। इसके अंतर्गत सभी महिलाएं उनको जागरूक करने के लिए, आम जनता जो है उनको जागरूक करने के लिए, आने वाले कल के पानी किस तरह से बचाया जा सके, किस प्रकार से रिजर्व किया जा सके, उसको संरक्षित किया जा सके, इसके लिए अमृत कलश यात्रा की गई है और जो कि 7 दिवसीय कलश यात्रा है जिसको डालमिया ट्रस्ट बेहतरीन रूप से कई वर्षों से काम कर रहे हैं और अमृत कलश यात्रा पिछले 2 वर्ष से जोरों शोरों से चलाया जाता है, वो भी वर्ल्ड वाटर डे के दिन समापन होता है इस कलश यात्रा का। इसको हम देखें तो आज से 3 दिन पहले चिड़िया गोरैया चिड़िया की कमी होने के कारण जो दिवस हम मनाते हैं, फिर कल था वन दिवस और आज है वर्ल्ड वाटर डे, तो ये सब कनेक्टेड है। जल है तो जीवन है, चिड़िया भी तभी जीवित रह सकेगी जब जल है, जब फॉरेस्ट होंगे तो जल रहेगा हमारे पास। कल के लिए हमें आज जल किस प्रकार से बचाए रखना चाहिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको जल की बेहद आवश्यकता है। आज का जो मनुष्य है वो ये सोचता है कि आज हम क्या कमाते हैं और हमारे बच्चों के लिए हम कल क्या छोड़ के जाते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चों के लिए कल जो संपत्ति सोच छोड़कर जाते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जल। संस्कृति, संस्कार दें अपने बच्चों को, जितने संस्कार देंगे मेहनती वो बनेंगे, उतना ही जल संरक्षण भी वो करेंगे, वो समझेंगे हर एक बूंद के महत्व को। अनेक प्रकारों से हम जल को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। हर चीज धरती पे पैदा हो सकती है लेकिन जल एकमात्र चीज ऐसी है जो पैदा नहीं की जा सकती। तो आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इसी के लिए था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रेन वाटर रिजर्व को लेकर। अभी देखो जल जीवन मिशन हमारे भारत सरकार की योजना है जो कि पूरे भारत में ही आएगी और अभी हमारे फेजेस भी चालू हो चुके हैं। झुंझुनू जिले के अंदर फेज 1 कई गांव में कंप्लीट हो चुके हैं और चल रहे हैं कार्यक्रम। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी के घरों में पानी पहुंचाया जाएगा और दूसरा चारागाह विकास भूमि, इसकी मैं अध्यक्ष भी हूँ, उसके अंदर भी मैं काम कर रही हूँ। चारागाह के हम मॉडल तैयार कर रहे हैं जो कि 11 मॉडल्स मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप तैयार करके दे और 11 मॉडल हमारे ब्लॉक के ऊपर, चाहे वो प्रधान है, BDOs है, आम जनता है, वो मिलकर चारागाह के लिए वो भूमि तैयार करें, फॉरेस्ट से ट्रेनिंग लें क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बहुत एक्सपीरियंस्ड है और एक्सपर्टीज है इस मामले में। तो उनसे हम पेड़ों को लगाने और कौन से टाइप के पेड़ लगाएं जो कि कम पानी पिए, जैसे अभी यहाँ डालमिया ट्रस्ट ने हमें डेमोन्स्ट्रेट किया कि पहले के जमाने में, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तान है, पहले के जमाने में बाजरा उगाया करते थे क्योंकि वो पानी कम लेता था, लेकिन अब कैश क्रॉप के तौर पर उसे लेने लगे कि अगर हम गेहूं उगाएंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे और उस वजह उन्होंने ये नहीं देखा कि पानी कितना ज्यादा ले रहा है। तो अनेक रूप है, देखो आप कैश क्रॉप्स जो है अपनी सब्जियों को कहा जाता है, तो कैश क्रॉप्स भी हम करें, ड्रिप इरिगेशन यूज करें, ऐसे अनेक तरीकों से हम वाटर रिजर्व कर सकते हैं जिसके अंदर सरकार हम भी पूरी तरह जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो जनता है उसका भी बहुत सहयोग है। भामाशाह बढ़कर आगे आ रहे हैं। धन्यवाद।
रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान जो पिछले 18 सालों से पानी और पर्यावरण बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, उसी दिशा में द्वितीय अमृत जलम कलश यात्रा का समापन आज चिड़ावा ऑफिस में संपन्न हुआ है। विश्व जल दिवस के उपलक्ष में ये कार्यक्रम किया गया है। संस्थान द्वारा पिछले विगत वर्षों में जो पानी और पर्यावरण के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, समाज में उसकी जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले, लोग पानी और पर्यावरण बचाने के लिए संस्थान की इस मुहिम में जुड़ें, इसके लिए ये अमृत जलम कलश यात्रा गांव-गांव से होकर गुजरती है। चिड़ावा और पिलानी पंचायत समिति के लगभग 55 गांवों से ये संस्था ये अमृत जलम कलश यात्रा इस बार होते हुए आई है, जहां गांव वालों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान संस्थान और गांव वालों ने मिल करके वहां पे करने के प्रयास किए, और जो पुराने काम संस्थान द्वारा इन गांवों में किए जा चुके हैं उनको देखा गया। गांव वालों ने बढ़ चढ़ के इस कलश यात्रा में भाग लिया और इस कलश का सभी जगह पर मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने स्वागत किया और इस पानी बचाने की मुहिम में अपने जुड़े रहने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। सभी गांवों से जो ये अमृत जलम कलश यात्रा जब होते हुए आचिड़ावा पहुंची, सभी गांवों में महिलाओं ने पुरुषों ने जो अमृत जल, जो बारिश का जल, जो अपने वर्षा जल संग्रहण कुंडों में वे एकत्रित करते हैं, उन्होंने उस जल को उस कलश में डालते हुए वो कलश आज यहां पहुंचा। यहां आज इस कलश के जल का विसर्जन आज के कार्यक्रम के अतिथियों की उपस्थिति में तुलसी में विसर्जित किया गया। साथ ही सभी महिलाओं पुरुषों और जो भी प्रतिभागी आज के इस कार्यक्रम के थे, सभी ने यह शपथ ली कि बारिश की प्रत्येक बूंद का संचय किया जाएगा और भूजल का जो न्यायोचित उपयोग किया जाएगा, इस शपथ के साथ इस कार्यक्रम का आज समापन किया गया। सर, आपका परिचय? मैं भूपेंद्र पालीवाल, परियोजना प्रबंधक रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान चिड़ावा जी। धन्यवाद सर।